सुंबुल संग दोस्ती के बारे में अर्चना ने बोले हैं बड़े बोल। क्या कुछ कहा है अर्चना ने सुंबुल से दोस्ती के बारे में? क्या बिग बॉस 16 में एक तरह से लड़ाई ही कह सकते हैं इन लोगों के बीच थी, वो अब सॉर्ट आउट हो गई है या नहीं हुई है? पूरी डिटेल्स, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर, लेकर हाजिर है आपके लिए बड़ी अपडेट। बिग बॉस 16 तो खत्म हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े रिश्तों के जो रंग हैं वो अभी तक देखने को मिल रहे हैं। बात अगर अर्चना और सुंबुल की करें तो बिग बॉस खत्म होने के बाद अर्चना लगातार सुर्खियाँ बटोर रही हैं। एंटरटेनमेंट की रात हाउस फुल में वो नजर आई, इसके अलावा भी वो सुर्खियों में ही रही हैं और अब वो नजर आ रही हैं खतरों के खिलाड़ी में, ऐसी भी खबरें हैं। इसी बीच क्या कुछ हुआ है, अर्चना ने सुंबुल को लेकर क्या बड़े बोल बोले हैं, पूरी डिटेल्स आपके साथ यहाँ हम शेयर करने जा रहे हैं। सुंबुल तौकीर खान की अगर बात करें तो उन्होंने अभी बिग बॉस के बाद अपने किसी भी प्रोजेक्ट का खुलासा नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है, शुरू से वो कह रही हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, पर वो ऑफर्स क्या हैं, उन पर सुंबुल काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, करेंगी तो कब से करेंगी, ये सारी डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई हैं। लेकिन हाँ, ऑफर्स उनके पास हैं ये वो हमेशा कहती रहती हैं। इसी बीच अर्चना ने सुंबुल को लेकर क्या बड़े बोल बोले हैं। बिग बॉस के घर में अर्चना और सुंबुल के बीच लड़ाई थी क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में थे, मंडली और नॉन मंडली का वहां पर हिसाब किताब बना हुआ था। लेकिन अब अर्चना से जब पूछा गया कि उनका सुंबुल के साथ बॉन्ड कैसा है या फिर शिव के साथ अब बॉन्ड कैसा है उनका, क्योंकि शिव के साथ कितनी लड़ाई हुई थी ये तो सभी जानते हैं, तो अर्चना ने सीधे साफ शब्दों में कहा कि मेरा अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरी सबसे बोलचाल है, सबसे मेरी बात होती है और कोई भी गिला शिकवा अब मेरा किसी से नहीं है। जो भी था वो वहाँ ख़त्म हो चुका है और जो भी था वो कोई ऐसा नहीं था जिसे हम ज़िंदगी भर साथ लेकर चलने वाले थे, जो हुआ हुआ, अब सब ख़त्म हो चुका है, सबसे मेरी बातचीत है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इस तरह की बातें अर्चना गौतम ने कही हैं हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू के दौरान। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, अपने कॉमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।